दोस्तों साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की ए टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौन है वो 15 खिलाड़ी जो भारतीय टीम की ओर से साउथ अफ्रीका दौरे पे जाएंगे, बताएंगे आपको उन खिलाड़ियों का नाम वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हराए तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों एक तरफ जहां भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में 3-0 से पटकनी दी है, तो वहीं भारत की ए टीम अब साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हराने के इरादे से जा रही है। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है भारत का साउथ अफ्रीका का पूरा शेड्यूल और कौन है वो 15 खिलाड़ी जो आपको वहां पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों बात करें भारतीय टीम की शेड्यूल की, तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 23 से 26 नवंबर के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला आपको 4 दिवसीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दूसरे टेस्ट मैच की, तो दूसरा टेस्ट मैच 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी और तीसरा टेस्ट मुकाबला 6 से 9 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। दोस्तों ये तीनों ही मुकाबले ब्लॉमफॉन्टेन के मैंगुंग ओवल स्टेडियम में खेले जाने वाली इस श्रृंखला में 3 मुकाबले होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में और बताते हैं आपको कि भारतीय टीम के स्क्वाड में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम के लिए भारतीय टीम की कमान प्रियांक पंचाल के हाथों में दी गई है, यानी प्रियांक पंचाल टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पंडिकल, सरफराज खान, बाबा अपराजित, उपेंद्र यादव विकेटकीपर, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर, सौरभ कुमार, नवदीप सैनी, उमरान मलिक, ईशान पौरेल, अर्जन नागवासवाला को टीम में जगह दी गई है। तो दोस्तों ये है भारत की 16 सदस्यीय टीम। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत की ये टीम साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हरा पाएगी या नहीं, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।